ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज का दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है, क्योंकि वो आपको आगे पता चलेगा। सो आई जस्ट टेक माई शावर एंड अभी मैं पूजा करूँगी, देन उसके बाद आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद मुझे फिर से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑन 29th आई एम हैविंग माई टेस्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड माई दुख दर्द पीड़ा। आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग द वाइब कि ब्रेकफास्ट में जो मैं खाती हूँ वो चीज़ नहीं बनी होगी, कुछ अच्छा नहीं बना होगा। आई डोंट नो क्यों बट आई एम गेटिंग द वाइब, सो लेट्स सी कि क्या बना है। डोंट नो वाई यूजली आई गेट ट्रू वाइब्स। मैंने कहा था कि कुछ वाहियात बना होगा, सो दिस इज आई डोंट नो व्हाट्स दिस। सो आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट, नाउ आई विल स्टडी, क्योंकि ऑन 29th of October आई एम हैविंग माई टेस्ट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैंने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इतने टाइम से आई वॉज क्लियरिंग माई बैकलॉग्स, नहीं तो बैकलॉग्स कम्प्लीट हुए, नहीं तो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हुई, और ना ही तो आपका प्रेजेंट क्लियर हुआ। सो यू नो आई एम वेरी मच इन डिप्रेशन, नॉट सो। Completed my 5-hour study session. Now it's the time to give myself a treat. And treat के लिए क्या ही मैं खुद को दूंगी, चलो देखते हैं। So अभी हो रहे हैं 1:30 and अभी मैंने lunch भी नहीं किया है। मैं lunch करूँगी, then I'll go to library, then I don't know, बहुत सारा hectic चीज़ें है। आज मुझे अपने हेयर स्पा के लिए भी जाना था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू हो रहे हैं, मतलब यू नो ऐसे रफ से हो रहा है। सो मुझे अपने बालों की भी केयर करनी थी, सो अगर टाइम मिलता है सो उधर भी जाएंगे, अदरवाइज पढ़ते रहो, क्योंकि 29 को टेस्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय टुडेज लंच। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बाकी ये तीनों के बारे में पता चल गया, एंड दीज आर पराठा और ये सब कुछ, तो अभी इनको फटाफट से खा लेती हूँ। सो आई एम डन विद माई लंच एंड अभी मुझे जाना लाइब्रेरी। आज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि रेगुलरली आई यूज़ टू गो अराउंड 2:00 एंड नाउ इट्स 2:30। लिटरली गाइस इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, पूरी काली पड़ गई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है मुझे। इट्स 5 PM एंड हम लोग जा रहे हैं मेरी दोस्त के हॉस्टल में स्नैक्स खाने, क्योंकि हमारे हॉस्टल में डंका देते नहीं है। सो हम लोग जा रहे हैं, और ये स्पेक्स मुझे काफ़ी पहले से लगे, और मुझे लगता है मैं अगर इसे पहनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जोकर टाइप लगती हूँ। यहाँ पे हम लोग स्नैक्स खाने आए हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल में तो अच्छे स्नैक्स मिलते नहीं हैं, तो दूसरों के हॉस्टल में आके स्नैक्स खाने पड़ रहे हैं। सो आई वाज आस्किंग यू ऑल कि हाँ, मेरे ऊपर ये स्पेक्स कैसी लग रही है। मैं कभी पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैंने पहनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जोकर टाइप लगती हूँ, बट आज पता नहीं मैंने क्यों पहन दी, आई डोंट नो। सो कमेंट में बताइए कि ये कैसे लग रही है मेरे ऊपर। सो अभी इसके बाद हमें जाना है जूडियो, और उसके बाद मैं जाऊंगी अपने हेयर स्पा के लिए। आई एम सो मच एक्साइटेड, फाइनली मेरे गंदे बाल ठीक हो जाएंगे, होप सो। सो गाइस दिस इज़ आवर टेस्टी पास्ता, भैया मुझे भी दे दो। सो हम लोग हो गए रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग।
हॉस्टल एंड अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेरे सर में पेन हो रहा है, मुझे माइग्रेन की पेन फिर से स्टार्ट हो गई है और मैं आज पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। सो आई एम रियली सो मच टायर्ड। सो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय।